गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग कैसे कर सकते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको सोइल प्रिपेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम लाएं उनका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये विंटर फ्लावर जो सीड है वो परचेज किए थे। मैंने ये सभी पैकेट जो है वो 20 रुपीज़ के अंदर परचेज किए थे। ये मैंने कहाँ से परचेज किए थे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग करते समय हमें सोइल को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो दो चीज़ें हमें होनी चाहिए, एक कोकोपीट और दूसरा कंपोस्ट। कोकोपीट और कंपोस्ट को हमें 50-50% जो है वो मिक्स करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपोस्ट है जिसको मैंने घर पर ही बनाया है अपने किचन वेस्ट से। तो आप भी अपने घर पे किचन वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या कंपोस्ट बना सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जितना भी ये हमारा जो कोकोपीट है इसको मैं वॉश करने वाला हूँ। आप दो बार वॉश कर सकते हैं, एक बार ये पहले से वॉश है तो मैं इसको दो बार वॉश कर रहा हूँ, ताकि इसमें कोई फंगी बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो सब हट जाए वॉश करने से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने पानी के अंदर इसको डाल दिया है, ये वॉश हो रहा है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको निकाल लूँगा और इसके अंदर मैं अपनी कंपोस्ट जो मैंने घर पे तैयार की है उसको मिक्स करूँगा और दोनों का जो रेशो रहेगा वो 50-50 रहेगा। कोकोपीट को यूज़ करने के पीछे जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि कोकोपीट जो होता है वो मॉइस्चर को कंटेन रखता है, जिससे हमारे जो फ्लावरिंग सीडलिंग होते हैं उनको ग्रो होने में आसानी होती है और बार बार हमें पानी देने की जो ज़रूरत है उनको नहीं पड़ती है। तो कोकोपीट का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल सैंड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि कंपोस्ट के अंदर सभी न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट और सीड्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी कोकोपीट है। और इस कोकोपीट में मैं कंपोस्ट मिक्स करने वाला हूं और कोकोपीट और कंपोस्ट में जो विंटर फ्लावरिंग सीडलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और जिसके ग्रो होने के और सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से सीड मैं ग्रो कर रहा हूँ और उनके सीड्स कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोस्ट है मैं इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। कंपोस्ट ज़्यादा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोकोपीट को आप ज़्यादा ना डालें, मतलब 50-50 का रेशो रहे। अगर कंपोस्ट 60 भी रहे और कोकोपीट 40 भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोकोपीट और कंपोस्ट को मैंने मिक्स कर दिया है और ये जो मिक्सर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और ये बहुत ही अच्छा मिक्सर है विंटर फ्लावर सीडलिंग करने के लिए। तो अब मैं धीरे धीरे जो भी मेरे पास अवेलेबल है उसके अंदर मैं इसकी सीडलिंग करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ मेरे पास किचन से निकले हुए कुछ बेकार डब्बे हैं जिनके अंदर मैं विंटर फ्लावर प्लांट की सीडलिंग करने वाला हूँ। आप कोई भी पोट का यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करें कि ऐसा पोट यूज़ करें जिसकी गहराई जो डेप्थ हो वो कम रहे, ताकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सीड्स को ना मिले। तो ये देखिए, सबको मैंने तैयार कर लिया है। और आप एक खास बात का ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसा करें बहुत सारे सीड्स को ग्रो करें तो जो जिस भी पोट में जो भी सीड आप ग्रो कर रहे हैं उन सब की नेमिंग कर दीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पहला जो सीड्स मैं ले रहा हूँ ये पिटूनिया का सीड्स है। पिटूनिया के फ्लावर आपको पता है बहुत ही सुंदर होते हैं और पूरी सर्दियों
मास तक आपको फूल देते रहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पिटूनिया के जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो पिटूनिया के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे राई के दाने जितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से पैकेट में कम से कम 400 से 500 और अंदाजन उससे ज़्यादा भी सीड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं पिटूनिया के। तो देखिए आप, मैंने इस बॉक्स पे लिखा भी हुआ है कि पिटूनिया, और इसके अंदर मैं पिटूनिया को जो है वो ग्रो करने वाला हूँ। तो आप सारे सीड्स ना डालें, सिर्फ 50% सीड ही डालें तो काफ़ी है। इतने पोट के लिए 50% सीड्स काफ़ी रहेंगे। सभी जर्मिनेट नहीं होते, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट हो। तो दूसरा जो मैंने लिया है वो आइस प्लांट है, और मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आइस प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो आइस प्लांट के सीड्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं, और काफ़ी वही 500 के आसपास इसमें सीड्स होंगे। मतलब अगर आप नर्सरी से परचेज करने जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, जबकि सीड्स से ग्रो करते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये मैं इसके अंदर स्प्रिंकल कर देता हूँ इसको, और मैंने जैसा कि कहा कि 50% सीड आप डाल दीजिए, 50% बचा लीजिए, काफ़ी होते हैं, 500 सैपलिंग इसमें निकल जाएंगी। तो ये स्प्रिंकल कर दीजिए। उसके बाद इसको जो अपने मिक्सचर तैयार किया है कोकोपीट और कंपोस्ट का, उससे इसको कवर कर देंगे। कम से कम 1 से 2 इंच आप कवर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी मैं कवर करता हूँ, और जितने भी सीडलिंग में ग्रो करूँगा उन सबको मुझे इससे कवर करना है, और बहुत ही हल्के हाथ से इनको प्रेस कर देना है। बहुत ही हल्के हाथ से, और मॉइस्चर इसके अंदर आप बनाए रखिए। वैसे तो कोकोपीट मॉइस्चर बना के रखेगा। जो नेक्स्ट है मेरा कॉस्मोस का है, तो इसके सीड्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कॉस्मोस के जो सीड्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। तो इसके सीड्स को भी मैं स्प्रिंकल करने वाला हूँ, ये देखिए। और मैंने जैसा कहा कि 50% सफिशेंट रहेंगे, तो 50% काफ़ी है आपके लिए। और ऊपर से जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे कवर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूँ वो एस्टर है, और मैं दिखाने वाला हूँ कि जो एस्टर के सीड्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एस्टर के सीड हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये देखिए कुछ जीरे जैसे लग रहे हैं, पर जीरा काफ़ी बड़े साइज का होता है, ये छोटा है और उससे पतला है। तो एस्टर के सीड कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये मैं स्प्रिंकल कर दूंगा, सारे नहीं ले रहा हूँ, इतने काफ़ी रहेंगे, 50% काफ़ी रहेंगे, काफ़ी सीड्स होते हैं, क्योंकि जितने छोटे शील्ड्स होंगे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी पैकेट में, बड़े शील्ड होंगे तो क्वांटिटी कम होगी। ये मैं नेक्स्ट जो ले रहा हूँ ये कैलेंडुला है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो कैलेंडुला है उसके शील्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैलेंडुला के शील्ड्स हैं जिसको मैं ग्रो करने जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि सभी पोर्ट पर मैंने नेमिंग की हुई है कि कौन सा फ्लावरिंग शीड मुझे किस पोर्ट में लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडुला के शीड्स हैं, और कैलेंडुला के शीड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जिसको मैंने पोर्ट में स्प्रिंकल कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास होली हुक्स है, जो होली हुक है उसके सीड्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ
कि इसके जो शील्ड्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ताकि आप पहचान कर सकें आसानी से, आपको पता चल जाए शील्ड देखते ही कि होलीहॉक के शील्ड ऐसे गोल गोल से जो हैं वो शील्ड्स होते हैं होलीहॉक्स के। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये भी मैं जो मैंने तैयार किया है उसके अंदर डाल दूंगा। उसके बाद मेरे पास डहलिया है, डहलिया के शील्ड्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डहलिया के जो शील्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो ये मैंने डाल दिए हैं, और इन सभी को शीट डालने के बाद मुझे कवर करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। ऊपर से थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए ताकि मॉइस्चर इसके अंदर बना रहे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद एल्सम है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एल्सम के जो शीट्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये देख लीजिए आप, एल्सम के शीट हैं। उसके बाद मेरे पास पेंजी है, तो पेंजी के शील्ड्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी विंटर फ्लावरिंग जो शील्ड्स हैं वो ग्रो किए हुए हैं। तो देख सकते हैं पेंजी के शील्ड्स, इन सबको मैं जो भी कंटेनर मैंने लिया है उस सब के अंदर ग्रो करने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो है वो मैंने ग्रो कर दिए हैं। कुछ कंटेनर को मैंने नीचे रख दिया, और इन सबको शील्ड्स को स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से सोइल से कवर कीजिए। उसके बाद इसको हल्के हाथ से प्रेस कीजिए और इसको मॉइस्चर करिए, मतलब ऊपर से पानी स्प्रिंकल कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनको शेड में रखना बहुत ज़रूरी है, धूप में बिल्कुल ना रखें। शेड में रखेंगे तो जल्दी जो है आपके शील्ड्स जो हैं वो ग्रो होने वाले हैं, और आप किसी भी तरह का कंटेनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जैसे ही इनका अपडेट आएगा, जैसे ही इनके अंदर कुछ स्प्राउटिंग जो है वो शुरू होनी स्टार्ट होगी, वो अपडेट भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा।